बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना जी और आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन गए। सदर पाकिस्तान बनने के फौरी बाद आसफ अली जरदारी के अपने करीबी रफका से होने वाली मीटिंग की अहम तरीन चीजें बाहर आ गई हैं। मेरे पास अहम तरीन जराए से आने वाली खबर यह है कि आसफ अली जरदारी ने वाजे तौर पर यह कहा है कि हमें एक आईनी ओहदा मिल गया है, एक आईनी ओहदा हमने हासिल करना है और इस आईनी ओहदे को हासिल करने के बाद हमने मुस्लिम लीग नून के उन तमाम बयानिए के खिलाफ खुलकर जाना है जो अवाम दुश्मन बयानिया होगा। यानी अवाम दुश्मन बयानिया किसको कहते हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, नचकारी और इन मामलात में आसफ अली जरदारी ने अपने करीबी हलकों को कहा कि मैं तो इस पर खामोश रहूंगा लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर खामोश नहीं रहेगी। आज आसफ अली जरदारी के इर्द गिर्द जो लोग जमा थे, आसफ अली जरदारी के पास जो लोग जमा थे, इस तरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और दुनिया की हर चीज मिल गई। आसफ अली जरदारी अब आईनी तौर पर सदर पाकिस्तान बन गए। फौरी तौर पर उनका फार्म 45 भी जारी कर दिया गया। काश ऐसे ही रिजल्ट मेरिट के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन में भी जारी कर दिए जाते तो शायद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती और इस पाकिस्तान की अवाम को इस बात का एहसास हो जाता कि हमारे वोट की अहमियत है, हमारे वोट की कदर है, हमारे वोट पर फैसला हुआ है, हमारे वोट से मुंतहिब होने वाले ही असेंबलियों में गए हैं। चले आज गेम शुरू हो गई है। आज जो इवाने सदर से गेम शुरू हुई है, अब यह गेम गली मोहल्लों चौकों चौराहों बाजारों तक जाएगी। आज आपका यह खबर ब्रेक कर रहा हूं, आज पहला दिन है मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल तरीन हालात का, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून को पहला दचका लग चुका है। मुस्लिम लीग नून अपनी जीती हुई बाजी हार चुकी है। ना सदर मुस्लिम लीग नून का, ना चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून का, ना डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का और ना ही अहम तरीन वजारतें मुस्लिम लीग नून की होंगी और ना ही मुस्लिम लीग नून की बहुत से मामलात पे अपनी मर्जी होगी। हां, मुस्लिम लीग नून को एक काम के लिए जरूर इस्तेमाल किया जाएगा और वो काम होगा केपीके के अंदर एक ऐसा आईजी लगाया जाए जो केपीके के वजीर आला की बात ना सुने और उसका फिर सारा मलबा वफाकी हुकूमत के ऊपर पड़े, वफाकी हुकूमत को टफ टाइम मिले, वफाकी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी हो, वफाकी हुकूमत के खिलाफ खुलकर सारे मामलात हो, ये होगा। आज रमजान से एक दिन या दो दिन पहले, अगर कल रमजान हो गया तो फिर एक दिन, अगर परसों रमजान हुआ तो दो दिन। अभी रमजान शुरू नहीं हुआ और हुकूमत के खिलाफ महंगाई का एक ऐसा तूफान आ चुका है, बल्कि अवाम के खिलाफ आ चुका और हुकूमत के खिलाफ अवामी रद्दअमल का एक ऐसा तूफान आ चुका है जिससे अभी से हर गली मोहल्ले में, हर बाजार में हुकूमत के खिलाफ खुलकर बातें होना शुरू हो गई हैं। अब लोग हर जगह पर याद करते हैं कि इमरान खान दुरुस्त था, इमरान खान ठीक था, उसके वक्त में हमें लाइनों में लग के धक्के नहीं खाना पड़ते थे, आटे के लिए, राशन के लिए जिल और स्वा नहीं होना पड़ता था, राशन के लिए हमें जलील नहीं होना पड़ता था। लेकिन अब ना सिर्फ राशन के लिए जलील और ख्वार होना पड़ रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, बल्कि बाजारों में अशिया इस कदर महंगी हो चुकी है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब वो साबका दौरे हुकूमत को याद करते हैं जब सरबरा तहरीक इंसाफ ने 12-12 हजार हर शख्स के, हर उस शख्स के जो मुस्तहिक था उसके घर में पहुंचे थे, यानी वो शनाख्त कार्ड दिखाता था तो उसको पैसे मिल जाते थे, बैंक के थ्रू मिलते थे, वो मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए कैंपों के थ्रू मिलते थे, किसी जगह बेईमानी नहीं होती थी। अब वो कहते हैं ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो अब ये याद आना शुरू हो गई है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एक नई गेम की तैयारी में लग गई है और पीपल्स पार्टी ने एक चीज बिल्कुल वाज़े तौर पर आज ही ये बात कह दी है और वो बात ये है कि हम किसी सूरत में अवामी मफाद के खिलाफ
किसी हकूमती फैसले की तायीद नहीं करेंगे। तो जिसका मतलब है कि आने वाला बजट हकूमत के लिए इंतहाई खतरनाक बजट होगा, हकूमत के लिए इंतहाई खौफनाक बजट होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अप्रैल के महीने में शुरू होगी एक लड़ाई, और अप्रैल के महीने में शुरू होने वाली ये सियासी लड़ाई जो है, इसका इख्तिताम जो है वो नवंबर में होगा, और पहली तलाक जो सियासी तलाक है वो अप्रैल में शुरू होगी, और आखिरी सियासी तलाक जो है वो नवंबर में होगी। और आपको ये भी खबर दे दूं, नवंबर में तहरीक इंसाफ की हकूमत बनने के कभी इम्कानात है, और तहरीक इंसाफ के साथ एक बड़ी सियासी जमात आप उसके साथ मिलने के लिए तैयार भी है, और उसके साथ चलने के लिए भी तैयार है, और उसका फैसला सरबरा तहरीक इंसाफ ने करना है। आज एक बड़ा अहम तरीन ऐलान हुआ है, और बड़ा अहम तरीन ऐलान पहले एक दिन पहले जुमान कायरा की तरफ से हुआ, और आज तहरीक इंसाफ को यह पैगाम पहुंचाया गया है कि कैदियों की रहाई के हवाले से पीपल्स पार्टी और इवान सदर अपना रोल अदा करेगा। मेरे पास तो यह भी इतला है कि हो सकता है कि इवान सदर से बहुत जल्द कोई शख्स जो है वह रवाना हो, और एक अहम तरीन पैगाम लेकर अडियाला जेल में चला जाए, और अडियाला जेल में एक अहम तरीन पैगाम पहुंचने के बाद हो सकता है कि हालात एक नई करवट ले, एक नया सियासी सिनेरियो सामने आए। लेकिन इस सारे मामलात के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो लूजर से लूजर होती जा रही है। इस सारे मामले के अंदर मुस्लिम लीग नून का ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन नजर आ रहा है, और मुस्लिम लीग नून शायद आइंदा आने वाले वक्त में किसी सूबे के अंदर भी हकूमत कायम ना कर सके। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोग, जिसमें हुरम दस्तगीर शामिल हैं, जिसमें इनके दीगर लोग शामिल हैं, ये बर्मला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ते महदूद हैं, और आने वाला वक्त जो है फिर दोबारा से तहरीक इंसाफ का वक्त है। अगले 48 घंटों में तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जमन में एक सर्टिफिकेट जारी होने का कभी इम्कान है। यह सर्टिफिकेट जारी होने के बाद बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ का इंतहाबी निशान होगा, और आइंदा जिमनी इंतहाबात जो पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी तादाद में होने जा रहे हैं, इन जिमनी इंतहाबात में भी खुलकर बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी, और तहरीक इंसाफ दोबारा भारी अक्सरियत से जीतेगी। अब असल फड्डा जो पड़ने जा रहा है वो असल फड्डा सेनेट के इंतहाबात में है, क्योंकि सेनेट के इंतहाबात में पीपल्स पार्टी भी अपना बड़ा हिस्सा मांगेगी, मुस्लिम लीग नून भी अपना बड़ा हिस्सा मांगेगी, और इसी बड़े हिस्से के दौरान इन सियासी जमातों में शदीद तरीन इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी हर सूरत में बलोचिस्तान के अंदर सिर्फ अपने सेनेटर चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी को ये, मैं एक खबर ब्रेक कर दूं, जबकि पीपल्स पार्टी को उसकी मंशा के मुताबिक शायद इतने सेनेटर ना मिल सकें जितने वो तवक्को कर रही है। और यही सूरतयाल आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की भी होगी और दीगर जमातों की भी होगी, और इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 को होगा। मजीद क्या होने जा रहा है ये आपको बताएंगे, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है, इंतजार कीजिए। अगले भी लोग का इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।